गांव में दुकान से सामान खरीदने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास। किशोरी और उसके पिता की यदि माने तो गांव के युवक ने अपने साथी के साथ कट्टे की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को लिखित में शिकायत करी। तहरीर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किशोरी को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा। इस संबंध में बोले अपर पुलिस अधीक्षक की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और चिकित्सीय परीक्षण के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश में दबिश जारी है। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के व्यासपुरा गांव का बताया जा रहा है। जिसान राइन की यह खास रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके साथ? दुकान से गए थे सौदा लेने, अपने हाथ पकड़ के उसके साथ एक आपके साथ दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म का प्रयास किया है? आपके साथ दुष्कर्म किया? क्या नाम है आरोपी जिसने आपके साथ दुष्कर्म किया, उसका नाम क्या है? ये कल थाना जालौन कस्बा थाना जालौन में सूचना प्राप्त हुई थी, तहरीर मिली जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। जो लड़की ने तहरीर दी है, पीड़िता पक्ष ने जो तहरीर दी है उस पर मुकदमा पंजीकृत है। मेडिकल व 164 के बयान कराए जाएंगे और उसके बाद 164 के बयान के बाद जो बात आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों के खिलाफ? एक को नामजद किया गया उस तहरीर में, एक व्यक्ति का नाम है और 164 के बयान हो जाए फिर उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी धाराओं में, क्योंकि परिवर्तन भी उसके हिसाब से हो सकता है। अभी जो तहरीर प्राप्त हुई है वो 354 की छेड़खानी की प्राप्त हुई।